नमस्कार, newslabmpcg.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय तिवारी। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर। बुधवार को गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह उज्जैन में देवी हरसिद्धि के दर्शन करने पहुंचे। दिग्विराजा ने बाबा महाकाल के भी दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने माघ मास की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन उज्जैन में देवी हरसिद्धि के दर्शन पूजा अर्चना की। दिग्विजय सिंह ने महाकाल बाबा के भी दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए दिग्गी ने कहा कि महाकाल मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और इसलिए वे आभार प्रकट करने आए हैं। दिग्गी ने भाजपा पर भी निशाना साधा। ऐसा है कि भगवान महाकाल और हरसिद्धि माता जी के आशीर्वाद से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बनी, तो ये मेरा दायित्व तो बनता था कि आकर अपना माथा टेकूं, आभार प्रदर्शित करूं और उनसे आशीर्वाद लूं। एक चीज ये है कि शिवराज सिंह जी और बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है कि मध्य प्रदेश में लगड़ी सरकार है और हम जब चाहेंगे जब सरकार गिरा देंगे। ये इस बयान से महामहिम राज्यपाल के पद का अपमान करते हैं। इसका मतलब यह है कि बिना बहुमत की सरकार महामहिम राज्यपाल जी ने उसकी शपथ करा दी। ये बाहर तो बहुत बातें करते हैं, सदन में इनको वोट है नहीं, ये केवल लोगों को डरा धमका के पैसे का लोभ देकर खरीदना चाहते हैं। कांग्रेस का कोई विधायक और हमारे निर्दलीय जो हम समर्थन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, समाजवाद, कोई बिकाऊ नहीं है। भोपाल में पीसीसी के बाहर लगे पोस्टरों में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को भावी पीएम के रूप में दर्शाया है। 8 फरवरी को राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा समय है और कांग्रेस या महागठबंधन की ओर से पीएम के लिए किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तो अभी से राहुल गांधी को ही भावी पीएम माने बैठे हैं। भोपाल में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगे पोस्टरों में उन्हें भावी पीएम कहकर संबोधित किया गया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की फोटो भी पोस्टरों में लगाई गई है। मध्य प्रदेश में सियासी संत के रूप में जाने जाने वाले कंप्यूटर बाबा इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। बाबा ने पीएम को लेटर लिखकर गरीब साधु संतों को पेंशन दिए जाने की मांग की है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और फिर कांग्रेस के पाले में आ जाने वाले एमपी के सियासी संत इन दिनों प्रयागराज में जलवे बिखेर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा को कुछ दिनों पहले राजनीति करने के कारण दिगंबर अनी अखाड़े ने निष्कासित कर दिया था और महामंडलेश्वर की उपाधि भी वापस ले ली थी। साथ ही कुंभ में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जब कंप्यूटर बाबा ने अपना अलग अखाड़ा बनाकर कुंभ में शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की तो उनका निष्कासन वापस हो गया था। अब प्रयागराज में डेरा डाले कंप्यूटर बाबा कभी हेलीकॉप्टर से शाही स्नान पर जाने की अनुमति मांगकर तो कभी दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े सियासतदानों के उनकी शरण में पहुंचने से सुर्खियों में बने हुए हैं। कुंभ मेले में साधुओं और भक्तों की भीड़ के बीच दो दो गनमैनों से घिरे कंप्यूटर बाबा अलग ही जलवे बिखेर रहे हैं। हाल ही में बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है जिसमें गरीब साधु संतों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग की है। इधर होशंगाबाद में मंगलवार को एक बड़े हत्याकांड का खुलासा हुआ है। यहाँ एक डॉक्टर ने अवैध संबंधों के चलते अपने ही ड्राइवर के कई टुकड़े कर दिए। होशंगाबाद पुलिस ने मंगलवार को एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया है। यहाँ इटारसी के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर सुनील मंत्री ने अपने ही ड्राइवर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के डॉक्टर की पत्नी के साथ कई सालों से अवैध संबंध थे, जिसका पता चलने के बाद डॉक्टर से उसका विवाद भी हुआ। इसके बाद मौका मिलने पर डॉक्टर ने पहले ड्राइवर को इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया और फिर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। पर जब कॉलोनी के लोगों को डॉक्टर की हरकतों पर संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर ही पुलिस ने पाया कि आरोपी डॉक्टर ने ड्राइवर की लाश के कई टुकड़े कर रखे थे और एसिड से भरे टब में उसको गलाने की तैयारी में था, जिसके लिए उसने एसिड की 100 से अधिक बोतलें खरीद कर रखी थी। पर पेशे से डॉक्टर होने के कारण किसी ने उस पर शक नहीं किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तो फिलहाल जो घटनाक्रम प्रकाश में आया है वो बताया है और फिलहाल उसका ये मानना है और उनका कहना है कि केवल वो स्वयं ही इसमें आरोपी हैं, लेकिन हम इसमें प्रत्येक संभावनाओं पर जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये एस्टेब्लिश करेंगे कि संपूर्ण घटनाक्रम का मूल स्वरूप क्या है।
ये अभी मैंने बताया आपको कि जो एक जो प्लास्टिक का ड्रम है, प्लास्टिक के ड्रम में इसमें एसिड भर के इसमें शरीर के कई भाग इन्होंने जो है टुकड़े टुकड़े करके डाले हैं। तो निश्चित रूप से अभी हमारे FSL एक्सपर्ट यहाँ हैं, उसको पूरा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं बता पाऊँगा। लेकिन अभी जो मेरे को प्रकट हो रहा है लगभग जो 2 दर्जन से ऊपर टुकड़े तो स्पष्ट हो ही रहे हैं। अमरवाड़ा के सिंगोड़ी चौक में फोटोकॉपी साफ नहीं आने की बात को लेकर 2 गुटों में संघर्ष हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग करवाया। घटना अमरवाड़ा के सिंगोड़ी चौक की है, जहां बस स्टैंड में चौरसिया परिवार की मोबाइल शॉप पर एक युवक फोटोकॉपी कराने आया था, लेकिन फोटोकॉपी साफ नहीं आने पर उसकी दुकानदार से बहस हो गई, जिसके बाद दुकानदार रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा। पर इसी बीच युवक अपने अन्य परिजनों के साथ दुकान पर वापस आया और चौरसिया परिवार के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को अलग किया। घटना में चौरसिया परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अमरवाड़ा सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मारने वाले कौन कौन थे? ओ सतीश कीर्ति के दो तीनों लड़के, गुणेश के 2-3 लड़के और डंकू के 3-4 लड़के, और उनके साथ में कौन कौन थे वो 10-12-13 लोग थे, पहचान में नहीं आए नाम उनके, हमको मालूम नहीं। ये कहाँ के हैं? ये सब सिंगोड़ी के हैं। कौन समाज है? लोधी समाज। चौरसिया परिवार एवं वर्मा परिवार सिंगोड़ी में रहते हैं दोनों। किसी फोटोकॉपी के पैसे के लेनदेन पर इन लोगों को साधारण मारपीट हुई थी, दिन में 2 बजे की लगभग की घटना है। इसके बाद दोनों पार्टी यहां थाने में आई थी, दोनों पार्टियों ने रिपोर्ट लिखाई थी, अपनी अपनी दोनों की रिपोर्ट लिखी गई। इसके बाद यहां से दोनों पार्टियां रवाना हो गई थी, तो पुनः जाके वहां सिंगोड़ी में फिर इनने यहां से जाने के बाद पुनः रिपोर्ट झगड़ा किया, इसने वर्मा परिवार द्वारा उनको चेक करके उनकी मारपीट की, जिससे चौरसिया परिवार के 4-5 लोग घायल हैं, जिनको छिंदवाड़ा रेफर किया गया है, वो इलाज चल रहा है वहाँ पे, वो वर्मा परिवार फरार है। तमो में जिला पंचायत सदस्य के अपहरण के मामले से पर्दा उठ चुका है। चंद्रावती अठिया के अपहरण की कहानी झूठी निकली है और फिलहाल दमोह में पंचायत की राजनीति जमकर गरमाई हुई है। दमोह में पिछले 2-3 दिन से जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रही रामबाई सिंह अब विधायक बन गई है और उनकी जगह पर नए उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। इसी दौरान सदस्य चंद्रावती अठिया का अपहरण होने की खबर से सनसनी फैल गई। चंद्रावती 4 दिन से गायब थी और उनका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा था। चंद्रावती अठिया के पति ने विधायक रामबाई के साथ थाने में जाकर अपनी पत्नी के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई और जिला पंचायत सदस्य ऋषि लोधी और संतोष अठिया पर अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। लेकिन बाद में चंद्रावती अठिया खुद प्रकट हो गई और कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मर्जी से गई थी। चंद्रावती ने बताया कि उनके अपहरण की कहानी झूठी है और वो 4 दिन से जबलपुर में थी, लेकिन मोबाइल बंद हो जाने की वजह से किसी से संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद पथरिया विधायक रामबाई ठाकुर SDM कार्यालय पहुंची और उन्होंने चंद्रावती को जबरन अपनी कार में बिठाकर ले जाने की कोशिश की। ये है, आप देख रहे, एक महिला को 8 लोग संगे लेके आ रहे और कब्जे में करें और उसको एफिडेविट दिला रहे, धमकी देखे साथ में। वो जब बोल रही कि हमें अपने पति के साथ जान दे, हम बाद में देखें, बाद में बयान दे का है हमारे संगे का भाव का नहीं भाव, अब हम बहुत घबराए हैं, पर जे लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और चंद्रावती अठिया को विधायक की गाड़ी से बाहर निकालकर SP के आदेश पर जिला न्यायालय लेकर जाया गया, जहां पर जिला न्यायाधीश के समक्ष धारा 164 के तहत उनके बयान दर्ज करवाए गए। मंगलवार रात करीब 10 बजे तक जिला पंचायत सदस्य चंद्रावती अठिया न्यायाधीश के कमरे में रही, उसके बाद पुलिस संरक्षण में मीडिया के सामने आई, लेकिन वे एक ही बात कहती रही कि ना तो उनका अपहरण हुआ और ना ही किसी ने उन पर कोई दबाव बनाया था, वो घर जाना चाहती हैं और उन्हें घर जाने दिया जाए, बस घर जाना चाहती हैं। आपके साथ हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। आपके पतिदेव ने रिपोर्ट दर्ज की है? जो कुछ हो गया हो गया, अब हम घर जाने दो, हमारे सामने से हट जाओ, हम अपने घर जाना चाहते। किस तरीके के बयान दर्ज कराए चलो नहीं दे रहा। किसी से कोई शिकायत है आपको? नहीं है भाई साहब, हमें किसी से शिकायत नहीं है। तो आपके पति ने अपहरण की शिकायत क्यों दर्ज कराई? मोबाइल बंद हो गया इसलिए करा दी उनने। आप कहाँ थी 4 दिन तक? जबलपुर में थी। कोई अपहरण नहीं हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ, झूठी शिकायत थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जिला पंचायत दमोह में उपाध्यक्ष पद के लिए कौशल्या मीमार को निर्विरोध चुन लिया गया।
हालांकि सनसनीखेज मामले के बाद दमोह की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के खिलाफ 12 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय करीब 9 सदस्यों ने लिया है, जो कि कांग्रेस के समर्थक बताए जाते हैं। ऐसे में भाजपा के सामने यह चुनौती खड़ी हो गई है कि वो अपनी पार्टी के समर्थित अध्यक्ष की कुर्सी कैसे बचाए, क्योंकि प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया 35 सालों के बाद दमोह से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी हारना नहीं चाहती है, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम ने भाजपा सहित कांग्रेस के लोगों की भी नींद उड़ा रखी है। वारासिवनी के ग्राम डोंगरिया में एक 21 वर्षीय युवक पर 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वारासिवनी के ग्राम डोंगरिया में मंगलवार देर शाम एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद तनाव का माहौल है। जानकारी के मुताबिक जब कल शाम मासूम घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोसी प्रेम सिगाड़े ने मासूम को घर पर चाय पीने का प्रलोभन देकर बुलाया और तीसरी मंजिल पर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। जब मासूम की माँ ने बच्ची की खोजबीन की तो वह प्रेम के घर पर रोते हुए मिली। जब बच्ची से रोने का कारण पूछा गया तो उसने अपने साथ गलत काम होने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने वारासिवनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और लोग आरोपी के घर के पास जमा हो गए और तोड़फोड़ करने की बात कहने लगे। सूचना मिलने पर डायल 100 और वारासिवनी थाने की पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। गर्रा के जनपद सदस्य वैभव विसेन ने यहां तक कहा कि पुलिस यदि आरोपी को जमानत देती है तो उसकी जान भी जा सकती है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही मासूम का मेडिकल चेकअप करवाया गया है। कल रात करीब 9 बजे पीड़िता की माँ थाने उपस्थित आकर जबानी रिपोर्ट लिखाई कि उसका पड़ोसी प्रेम सिंघाड़े पिता अभिमन्यु सिंघाड़े द्वारा उसकी भी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी की तत्काल दस्तयाबी करके और गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया है और उस बच्ची का भी मुलाजा के लिए अस्पताल बालाघाट भेजा गया है और उसमें कार्रवाई कठोरतम की। जैन तीर्थ बावन गजा में महामस्तकाभिषेक के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि अनुमति नहीं होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने मूर्ति पर कलर चढ़ाने की कोशिश की, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु आपस में भिड़ गए। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बावन गजा में हर साल के अनुसार इस साल भी भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 8 से 10 हजार श्रद्धालु महामस्तकाभिषेक करने पहुंचे। इस दौरान ट्रस्ट ने 84 फीट ऊंची मूर्ति पर जल अभिषेक करने का नियम बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने नियमों के विपरीत जाकर मूर्ति पर सूखा कलर डालने का प्रयास किया, जिसके बाद वहां मौजूद स्वयंसेवकों और कलर डालने वालों के बीच विवाद हो गया, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं को गहरी चोटें भी आई हैं। पीड़ित श्रद्धालुओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कई मंदिरों में पंचामृत चढ़ाने की अनुमति भी है, लेकिन यहां मंदिर प्रशासन मनमानी कर रहा है और सिर्फ जलाभिषेक करने की अनुमति मिल रही है, जबकि मंदिर प्रशासन का कहना है कि दूध दही शक्कर और अन्य वस्तु से अभिषेक करने पर उसमें मौजूद केमिकल के कारण प्राचीन मूर्तियों का क्षयकरण होता है, जिसके चलते सिर्फ जल से ही अभिषेक करने की अनुमति दी गई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मारपीट करने वालों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। हम अब ऊपर अभिषेक करने को गए थे तो हमने केसर का अभिषेक करा तो इन लोगों ने हमको मारा बहुत और हमको गोली से मार के पाल से फेंकने की धमकी दी थी। हुआ ये था, ये हमारा तीर्थ है, ये आज परंपरा के हिसाब से हमारे सदियों से आ रहा है, तो यहाँ पे जब भी अभिषेक हुआ है केसर और दूध के अभिषेक हुआ है, कभी पहले जल का फिर केसर का फिर दूध का पंचामृत का। तो उन्होंने क्या करा कि हम आपको करने नहीं देंगे, नहीं भाई हम तो अपने करके आते हैं, हमने उनका रूल लिया, हमने उनका रसीद कटाया, कलश लिया, ऊपर जाके हमने केसर का अभिषेक उनके हाथ से करा, उन्होंने हमको पकड़ा और खूब मारा। हमारे यहाँ जो ट्रस्ट के नियम है, जो संविधान है, उसके अनुसार जल से अभिषेक होते हैं और केवल पुरुष इसका अभिषेक करते हैं और ये परंपरा भी हमारे क्षेत्र की परंपरा भी है और हमारे ट्रस्ट का संविधान भी है। ट्रस्ट का संविधान हमारे पास बहुत सालों से पास है और इस संविधान की काफ़ी मैं आपको बता रहा हूँ, ये संविधान हमारा सभी ट्रस्टियों ने और क्षेत्र के साधारण सभा ने पास कर रखा है और इसी संविधान के अनुसार हमारे यहाँ अभिषेक होते हैं। बावन गजा में आदिनाथ भगवान का महाम मस्तक अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान श्रद्धालुओं में कुछ आपसी पूजा की रीति रिवाज को लेकर मतभेद होने से आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें अभी सुदर्शन जैन इंदौर संवेद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक मोहित जैन
इन तीनों आए और इनकी तरफ से जो है कि एफआईआर दर्ज हुई है। इटारसी के सराफा बाजार में एक और सराफा व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। यहां मंगलवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी से पैसे और गहनों से भरा बैग लूट लिया। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार सराफा व्यापारियों से लूट की खबरें आ रही हैं। आए दिन बदमाश व्यापारियों से पैसे और गहने लूटकर भाग रहे हैं, पर पुलिस कुछ भी करने में नाकाम साबित हो रही है। कुछ ऐसी ही वारदात मंगलवार की रात इटारसी में देखने को मिली, जहां सराफा व्यापारी दुकान बंद कर हाथ में रुपए और जेवर से भरा हुआ बैग लेकर घर जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल में आए दो युवकों ने उससे बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आरोपी ने थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं होशंगाबाद के एसपी ने घटना स्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों का सुराग देने वाले को 10,000 रुपए देने की बात भी कही है। धमोकेहटा थाना क्षेत्र में एक कलयुगी शिक्षक के खिलाफ मूक बधिर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक ने 26 जनवरी को लड्डू खिलाने के बहाने इस छात्रा के साथ अश्लील हरकत की थी। हटानगर के शासकीय पुत्रीशाला स्कूल में पदस्थ शिक्षक गोपाल तंतुवाय ने एक मूक बधिर छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसमें एसपी के पास शिकायत पहुंचने के बाद हटा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल घटना 26 जनवरी की बताई जा रही है, जब स्कूल में छात्रा को अकेला पाकर शिक्षक ने अश्लील हरकत की, लेकिन घटना के दिन हटा पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी और राजीनामा का दबाव बनाया। उसके बाद पीड़िता के परिजनों ने दमोह पुलिस अधीक्षक की शरण ली। परिजन मंगलवार को पुलिस अधीक्षक दमोह की जनसुनवाई में पेश हुए और एसपी के हस्तक्षेप के बाद देर रात हटा थाने में आरोपी शिक्षक गोपाल तंतुवाय के खिलाफ पास्को एक्ट, छेड़छाड़ सहित कई धाराओं के तहत मामला कायम किया गया है। थोड़ी देर में क्या होता है कि सर आते हैं और इसको लड्डू देने के बहाने ले जाते हैं। हमारा थोड़ा सा काम रह गया था, जो बाकी हम अपना काम कर रहे थे, तो अपना काम बाकी ख़त्म करके मैंने सोचा बच्ची कहाँ गई, मेरा तो काम हो गया, बच्ची कहाँ गई, अब हम घर को जाएं। इतने में हमने जाकर देखा ऑफिस में तो सर इसको अपने गले से लगाए हुए थे। तो फिर मैंने आप घर आकर के अपने पति से बोला कि हमें मतलब ऐसे ऐसा देख कर आई है, तो फिर यहाँ पर रिपोर्ट करवाने आए तो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई, धमकी दी गई। किसके द्वारा धमकी दी गई? कि धमकी दी गई कि इतने बड़े सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों गलत फहमी पाल रखी है आपने। किसने बोला था? दुबे माँ साहब ने बोला था हमसे। और कि दुबे माँ साहब ने बोला था? और किसने बोला? पुत्रीशाला स्कूल में 26 जनवरी के करीब 11:30 बजे दिन गोपाल प्रसाद तंतुवाय द्वारा बुरी नीयत से लड्डू देने के बहाने छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। इनकी रिपोर्ट पर गोपाल प्रसाद तंतुवाय के विरुद्ध धारा 354, 323, 506 भारतीय दंड विधान और 9/10 पास्को एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जहां लोकसभा चुनावों का शंखनाद करने आ रहे हैं, वहीं उनके जवाब में अब भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी को बुला रही है। और जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी को होशंगाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की ओर से चुनावी शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का बिगुल फूकेंगे। 15 फरवरी को होशंगाबाद में मोदी की सभा रखी गई है। इसके बाद नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को धार जिले में सभा करेंगे। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 8 फरवरी को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों का शंखनाद करने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि उसके जवाब में भाजपा पीएम मोदी से एमपी में चुनावी शंखनाद करवाने जा रही है। हालांकि अधिकृत रूप से अभी पीएम का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।